नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट महाबहस लाइव मेरे साथ। आज का सियासी ड्रामा या यूं कहें कि सियासी कंफ्यूजन बहुत हाई रहा, जो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। रामपुर मुरादाबाद में आखिर टिकट को लेकर क्यों था विवाद, और साथ ही एसपी के कंफ्यूजन की इनसाइड स्टोरी क्या है, आपको बताते हैं। दरअसल 22 मार्च को सीतापुर जेल में आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी और तभी से अटकलें लग रही थी कि एसटी हसन का टिकट कट सकता है। और सूत्रों की माने तो आजम खान चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव चुनाव लड़े, लेकिन कथित तौर पर अखिलेश यादव इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। और उसके बाद रामपुर के अंदर बहुत से कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी का विरोध किया और चुनाव बहिष्कार तक की भी बातें सामने आई, और इस बगावत की आग मुरादाबाद भी पहुंची और एसटी हसन का टिकट कट गया। अब समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद से अपना प्रत्याशी रुचि वीरा को बनाया है। रुचि वीरा आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। रामपुर में अखिलेश ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी पर दांव खेला है। पूरा समीकरण क्या है, आखिर इस सियासी ड्रामे के पीछे सच क्या है, कितना नफा कितना नुकसान, क्या संदेश जा रहा है, आज इसी पर होगी महाबहस। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रामपुर में टिकट परार, एसपी में दो फाड़। समझते ही होंगे कि मैं पर्चा दाखिल करने आई हूँ तो कुछ लेके ही आई हूँ, मुझे किसी ने मना नहीं किया, मुझे उन्होंने कह के भेजा। उम्मीदवारों पर क्लेश, आजम वर्सेस अखिलेश। जमानत जब्त होगी, कहाँ से मिलियां हो इनके प्रत्याशी, जमानत जब्त होगी लोगन के। अरे माफिया किसी को नहीं चाहिए, माफिया राज नहीं चाहिए किसी को। एसपी में कंफ्यूजन, मुरादाबाद रामपुर में टेंशन। हर प्रत्याशी ये दावा कर रहा है कि वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, ये तो भी पहले चरण का नॉमिनेशन है, तब ये दशा है। समाजवादी पार्टी जब जब चुनाव आता है तब तब सिरफुटव्वल सतह पर आ जाती है, और ये सिरफुटव्वल भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। रुचि वीरा के लिए क्यों कटा हसन का टिकट। ये मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दे, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है, अब फैसले हाई कमान के ऊपर है, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। रामपुर से रजा नहीं, मोहिबुल्ला अखिलेश की पसंद। कोई सस्पेंस हमारे तो इल्म में नहीं आया, पार्टी ने हमें सिंबल दिया, हमारे लिए लेटर भेजा, माननीय अध्यक्ष जी ने जो है पूरी टीम भेजी, स्टेट प्रेसिडेंट आए, प्रदेश अध्यक्ष जी और सारी टीम आई, उन्होंने जाकर के नामांकन कराया, तो जाहिर सी बात है माननीय अध्यक्ष जी ने हमें चुना है। और चर्चा के लिए मेरे साथ गेस्ट पैनल यहां पर मौजूद है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ शरद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है शरद जी आपका, और साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, और हमारे साथ मोहम्मद सैफ साहब हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी भी हमारे बीच में है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, और साथ ही नोएडा की जनता भी हमारे साथ है। जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने सब लोगों के लिए। और यूथ इसमें काफी है, इस बार चुनाव में यूथ पे बड़ा दांव है, सभी पार्टियों का अपना अपना क्लेम है और हर कोई अपनी अपनी रणनीति लेकर के चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को अपने पाले में लाया जा सके। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल धर्मेंद्र यादव जी आपसे, आज जो कुछ भी मुरादाबाद में देखने को मिला, एसटी हसन जी का टिकट कट गया, रामपुर में देखने को मिल रहा है, घटनाक्रम पर अभी भी सस्पेंस है कि सपा का उम्मीदवार है कौन, वहां से आसिफ रजा है या फिर मोहिबुल्ला जी हैं, लेकिन इस सबके बीच बीजेपी चुटकी ले रही है और वो ये कह रही है कि जब जब चुनाव आते हैं सपा में सिर्फ फुटव्वल शुरू हो जाता है और यही आपकी हार का मार्ग प्रशस्त करेगा। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की यही परंपरा है कि अपने गिरेवान में झांककर नहीं देखते हैं, दूसरे के घर में झांकना उनकी आदत सी हो गई है। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 302 सांसदों में से 100 सांसदों का टिकट काट दिया है, तो आप ये बताइए कि ये घमासान है
सर फुटौल है कि गुत्थम गुत्था है कि भारतीय जनता पार्टी हार की हताशा नहीं। लेकिन धर्मेंद्र जी एक बात तो मानेंगे ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि एक ही सीट पर और एक ही पार्टी के दो उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आ जाएं। अब जैसे मुरादाबाद में हुआ, वहां भी रुचि वीरा भी नॉमिनेशन फाइल कर रही है, एसटी हसन भी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, मोहिबुल्ला जी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर लिया और पर्चा खरीद के आसिम रजा भी सड़कों पर घूम रहे हैं। एसटी हसन साहब ने एक दिन पहले नॉमिनेशन फाइल किया था अगर आपको जानकारी है, लेकिन सपा से किया था ना। बिल्कुल, एक दिन बाद दूसरे लोगों ने किया है। ये राजनीति का हिस्सा है, हर एक राजनीतिक पार्टी अपना अपना रणनीति बनाती है और उसके हिसाब से टिकट बदले जाते हैं और टिकट किसी और को भी दिए जाते हैं। मैंने उदाहरण बताया 100 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। चलिए शरद त्रिवेदी जी हमारे बीच में, इन्हीं से कमेंट ले लेते हैं। शरद जी वो कह रहे हैं कि ऐसे जो घटनाक्रम है वो तो बना ही करते हैं सीटों पर, उसमें क्या क्या अलग है और उसमें पराजय जैसी बात कहां से आती? नहीं देखिए, ऐसा है कि टिकट कटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टिकट कटने के बाद क्या होता वो बड़ी बात है। हमारे यहाँ भी टिकट जो है, क्योंकि पार्टी में लोगों को जो सांसद होते हैं उनको वापस पार्टी में संगठन में भेजा जाता है, जो विधायक होते हैं उनको संगठन में भेजा जाता है, लेकिन पार्टी नहीं टूटती है, ना पार्टी को छोड़ के जाता है। लेकिन इनके यहाँ ये कि साहब जैसे ही टिकट कटा तो वहां सर्च फॉरओवर शुरू हो जाती है, कोई कहता मैं छोड़ के भाग जाऊंगा, कोई नई पार्टी बना लेता है, ये इनके कार्यक्रम। हमारे यहाँ इस तरह का कोई कार्यक्रम है कि मुझे पार्टी का फैसला कबूल है नहीं, वो किस मजबूरी में कह रहे हैं उन्हें पता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तकरीबन सभी की जमानतें जब्त होने वाली हैं। आप देखें 2012 से आज तक कोई भी चुनाव ये नहीं जीते हैं, अखिलेश जी तो खुद ही कभी चुनाव नहीं जीते हैं, उनके पिताजी ने उनको बैठा दिया था कुर्सी पे, उसके बाद वो कभी तो खुद तो चुनाव नहीं जीते, दो विधानसभा, दो लोकसभा और दो निकाय चुनाव पे इनकी हार हुई है, और पिछली बार दो इनके जो मेयर थे वो भी खत्म हो गए, तो इनको इनकी हकीकत पता है, तो इसलिए कोई लड़ना ही नहीं चाहता इनके यहां से। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 80 सीटों पे संविधान की हत्या होगी और हमारी ईवीएम मशीन खराब हो जाएगी। अच्छा, पहले से ही आपने डिक्लेयर कर दिया कि 80 सीटों पर ईवीएम हैक हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जनता का फैसला स्वीकार होगा या? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने तो कहा है, मैं कमेंट ले लेती हूं यहां पर, मोहम्मद सैफ साहब है, कांग्रेस पार्टी ने तो कहा है अकाउंट फ्रीज कर दिया, हम तो 2 रुपए खरीदने लायक भी नहीं रहे, 2 रुपए खर्च करने लायक भी नहीं रहे। देखिए, आपने कहा अकाउंट सीज कर दिए, सीज करी दिए, वो चाहते हैं विपक्ष रहे ना, अगर विपक्ष रहेगा आवाज भी उठेगी, उनकी तानाशाही चलती रहेगी और देश देख रहा है किस तरीके से तानाशाही फैसले ले रहा है। हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और यही इसकी आवाज थी, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हाथरस का हादसा होता है और रात को 1 बजे सफदरजंग अस्पताल से ले जाकर उस बिटिया को मट्टी का तेल छिड़क के किस धर्म के तहत रात को अग्नि दी जाती है। ऐसा किसी हमने आज तक अपने भाइयों दोस्तों में नहीं सुना कि रात को 1 बजे अग्नि मट्टी का तेल छिड़क के उपलों से दी गई हो अंधेरे के अंदर पुलिस प्रशासन के अंदर। क्या लड़की हो, सुप्रिया श्रीनेत, सुप्रिया श्रीनेत अगर कंगना रनौत पे कमेंट करती हैं, फप्ती कसती हैं और कह देती हैं कि मेरे अकाउंट को कई लोग हैंडल करते हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता, आप लोगों में से किसी को पता हो तो अपडेट कर दीजिए कि माफी मांगी हो, खेद प्रकट किया हो या कोई कार्रवाई हुई हो। आप महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं, आप शुचिता की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश के युवा शराबी हैं। आपकी बात पूरी हो गई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं? बिल्कुल करिए। नहीं, मैं कह रहा नहीं, शुचिता की बात दोनों बात करूंगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा, पहले मैं जवाब दूंगा किस तरीके से हाथरस के अंदर होता है। उस बेटी का क्या गुनाह था? यही गुनाह था ना, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, उसी लोगों के साथ में जिस बलात्कार के अंदर बंद हुए, जब पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा, देश की जनता सड़कों पर आई, तब जाके वो जेल गए। उस जेल के जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के हाथ रखते सांसद उनसे जेल में मिलने जाते हैं, ये नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी की बलात्कारी के साथ मिलने की? आप बता दीजिए ये नैतिकता है? वो जेल में किस लिए मिलने गए उनसे? कौन सी मुलाकात? मेरी जनता के बीच में 10 सेकंड। आपने कहा उन्होंने कल ही माफी मांगी, उन्होंने कहा मेरा अकाउंट सीज हुआ, उन्होंने कहा मेरे अकाउंट को लेके जो हुआ है गलत हुआ है, आप इस पे इंक्वायरी कराएगी सरकार इंक्वायरी कराए। कल किस तरीके से हमने देखा सुबह बंगाल के अंदर ममता जी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा बंगाल की बेटी। चलिए मैं लौटूंगी, मैंने 10 सेकंड आपको दिए, एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख ले, मैं फिर आपके पास आऊंगी, और आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है तो अपना हाथ उठा सकता है, मैं आपके पास भी माइक लेके आऊंगी। ग्यारह जी बताइए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है? पहले समाजवादी पार्टी के लिए बातें उठी कि यहां पर सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं है, अखिलेश यादव अपने अलायंस को साथ लेकर चलना नहीं जानते, और आजम खान ने भी शिकायत की कि मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया गया, आंदोलन नहीं किया गया, और अब तो ये आर पार खुलकर के सामने आ रही है। देखिए, जिस तरह से अंतिम समय पर टिकट बदला जाना, ये बताता है कि पार्टी में कुछ गड़बड़ है, और इसको इस रूप में भी देखिए कि पार्टी चाहती है कि
किसी भी तरीके से चुनाव हम जीते हैं, इसलिए लास्ट टाइम में कैंडिडेट का चुनना ये हर एक पार्टियों में होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की भी साख दांव पर लगी है, क्योंकि ये चुनाव निर्णायक है लोकतंत्र के लिए भी, खास करके अखिलेश यादव और जो कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है बहुत मायने रखता है। इसमें मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। अभी आपने कहा महिलाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी गंभीर नहीं है। जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत का बाइट आया, जिस तरह से कंगना रनौत ने वो एक एक्ट्रेस के बारे में बोली, कल उन्होंने बोला, महिला मुद्दा जो होना चाहिए कायदे से ये इस चुनाव में नहीं है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लग रहा है चुनाव आते आते कहीं ऐसा ना हो, चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि शुचिता का ध्यान रखना चाहिए, आप धर्म का उपयोग नहीं करेंगे अपने चुनावी भाषणों में, भाषाओं का ध्यान रखेंगे चुनावी भाषणों में। शरद त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि टिकट एंड मोमेंट पे कट जाना या किसी और को मिल जाना ये कोई नई बात नहीं है, और वो मजबूती से चुनावी मैदान में है, और इस तरह का जो घमासान है जिसको जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है, सपा की भी चूंकि साख दांव पे है तो वो मजबूती से चुनावी मैदान में है, बीजेपी कम करके ना आके। नहीं, हम तो, हमें बहुत खुशी है कि अच्छी तरह चुनाव लड़े, अच्छे लोकतंत्र के लिए चुनाव लड़ना बहुत जरूरी है और सब लोगों को पूरी ताकत से करना चाहिए, लेकिन इनकी ताकत का नतीजा क्या निकल रहा है वो देखने की जरूरत है। आप देखें जो इनके दो गढ़ थे, एक आजमगढ़ और एक आजम का गढ़, वहां दोनों इनकी जमानतें जब्त हुई हैं, इनकी पार्टी हारी है। कभी भी ये पिछले, मैंने जो पहले ही कहा कि 2012 से आज तक कोई चुनाव नहीं जीते, और विपक्ष के साथ समस्या ये एक सेलेक्टिव एमनीसिया है, इनको एक आंख से रोने की आदत है, दोनों आंख से ही नहीं रोते हैं इनके। हाँ, आप देखें कि जैसे अभी हमारे मित्र कांग्रेस से कह रहे थे कि साहब किस तरह उत्तर प्रदेश में जो बलात्कार की घटना हुई, बिल्कुल निंदनीय घटना है, लेकिन राजस्थान जहां इनकी सरकार थी, जहां जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि रेप कैपिटल ऑफ द कंट्री था, और दूसरे जगह जहां इनकी सरकार थी केरल में, वहां भी जो दूसरे नंबर पे रेप जो हुए केरल में हुए, तो जिस तरह महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ है इनके क्षेत्र में हुआ। और दूसरी चीज एक और मैं आपको कहूंगा, हाल की जो घटना है, हाल की जो संदेश खाली की घटना है, उसके ऊपर किसी के आंसू नहीं निकले, संदेश खाली के ऊपर कोई नहीं बोला है, लेकिन क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहीं इस तरह की घटनाएं घटती, और इससे पहले भी, मतलब सेलेक्टिव अप्रोच है। सवाल यह है कि संदेश खाली में भी घटना हुई, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे, उसका आपने नाम नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूं, देश के अंदर कहीं भी महिलाओं के साथ अत्याचार निंदनीय है, उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। भारतीय जनता पार्टी सही ठहरा सकती है, उनके सांसद जाके जेल में मिलके आते हैं बलात्कारियों से, ये फर्क है दोनों पार्टी के अंदर। आपने राजस्थान का जिक्र किया, मैंने कहता हूं राजस्थान के अंदर बलात्कार की घटना है, सरकार उठा के जेल में डाल देती है, आपकी तरह उनके साथ में खड़ी नहीं होती है, उनका समर्थन नहीं करती है, ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने कहा कोई चुनाव उत्तर प्रदेश में जीता नहीं है, 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें हारी थी लोकसभा की, अभी आ जाइए पिछला 22 का चुनाव 58 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई, हारी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हार की बात नहीं होगी, आप कहेंगे दूसरा हार गया, आप 58 सीटें हार गए। तो इसलिए सिलेक्टिव राजनीति छोड़िए, मुद्दों की बात कीजिए। आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर महिला मुद्दा है तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने देखा हमारे यहां दिल्ली के अंदर किस तरीके से हमारी बहनों ने, जिन्होंने हमारे छाती चौड़ी कर दी दुनिया में मेडल जीतने के बाद में, उसी सांसद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी खड़ी हो गई, और दिल्ली पुलिस कोर्ट में जाके उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। जब जब सरकार का सरकारी मशीनरी का प्रयोग होगा उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं होगी। हम सरकार से अपील करते हैं, जनता से अपील करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सड़कों पे आइए जो सरकार है। इसका जवाब हम शरद जी से लेंगे, लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा नाम पे कंफ्यूज है, मेरा नाम आसिफ है, सैफ नहीं है, ठीक है, मैं करेक्ट करती हूँ। धर्मेंद्र जी, सवाल ये भी है कि एक जो MY फैक्टर समाजवादी पार्टी का रहा है, आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगह मुस्लिम बहुल, ये अच्छी खासी तादाद है, बाय इलेक्शंस में दोनों ही जगह आपके हाथ से चली गई, और इस बार भी आप देखिए नए ही कैंडिडेट्स हैं मुरादाबाद और रामपुर दोनों के लिहाज से आप देखिए, तो सवाल ये उठता है कि क्या सपा एक्चुअल में मैदान में है भी, मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और क्या अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। रामपुर के चुनाव को पूरी दुनिया ने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की लूट की थी। पहले तो वोटर लिस्ट में नाम काटे गए, उसके बाद पुलिस प्रशासन लगा करके, शिकायत क्यों नहीं, बिल्कुल सुनिए, पुलिस प्रशासन लगा करके घरों के सामने पुलिस डंडा लेके खड़ी थी कि वोट डालने नहीं जाना है।
तो अगर लोकतंत्र की लूट करनी है, चंडीगढ़ में आपने देखा, कैमरे के सामने देखा, वहां भी लूट हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी जहां लूट किया है वो लूट के जीत गई, कोई बात नहीं, उसे मुबारक हो। लेकिन वहां शिकायत हुई, कोर्ट से ऑर्डर आया, लेकिन आपने कहीं शिकायत की किसी फोरम पे? अगर ऐसा हुआ, मेरी बात आने दीजिए। और 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आज तक का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज गेन किया है। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का विजन है और उनकी प्रोग्रेसिव सोच है जो उन्होंने काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में महिला के लिए जो एक एग्जेम्पलरी काम हो सकता है वो मुझे बता दीजिए। हम लोगों ने डायल 1090 करके किया, जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा है। पुलिस रिफॉर्मेशन में सबसे बड़ा काम हुआ है। आज तक उत्तर प्रदेश में कभी जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हुआ था पुलिसिंग में, लेकिन हम लोगों ने किया। तो हम लोगों ने जो काम किए हैं, कभी युवाओं को 20 लाख लैपटॉप देने की बात कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश में? लेकिन समाजवादी सरकार ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए। लेकिन सवाल ये आता है कि इन सब मुद्दों पर तो आप चुनाव लड़ चुके, आप विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके, आपने बाई इलेक्शन में इन सब मुद्दों का जिक्र किया, आप लोकसभा में भी जिक्र कर रहे हैं, इसका जवाब एक बार शरद जी से ले लेते हैं। शरद जी बताइए, वुमेन सिक्योरिटी, पुलिसिंग रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट, ये सब कुछ सपा ने किया, बीजेपी ने क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं पहले ये बता दूं कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एस्कॉर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करी कि कोई भी महिला अगर रात के 8 बजे से सुबेरे 6 बजे तक अगर अपने घर या घर से दफ्तर जाना चाहती है तो उसको पुलिस एस्कॉर्ट करेगी। उत्तर प्रदेश आज मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया टुडे 21 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये एक इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश हैज एट द मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। ये देश की बात कर रहे हैं, ये खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो आज विकास के जिस दौर पे उत्तर प्रदेश चल रहा है, आप देखें 16% निवेश जो भारत में सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हुई है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ दी गई है और जो छोटे मोटे अपराध चल रहे हैं उनको भी निपटाया जा रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी अगर आप देखें तो अपराध बढ़ा है, लेकिन अपराध इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि अपराध बढ़ा है, अपराध इसलिए बढ़ा दिख रहा है क्योंकि अपराध का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अब FIR सिर्फ फेसबुक से रजिस्टर हो रहा है, ईमेल से रजिस्टर हो रहा है, आप किसी भी तरीके से व्हाट्सएप से आप FIR रजिस्टर करा सकते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो रिकॉर्ड में वो दिख रहा है, रिपोर्ट दर्ज हो रही है। आस्था जी, बीजेपी के खून में झूठ है, उसको कौन टाल सकता है? इनकी नेता है बेबी रानी मौर्या, इनकी नेता है बेबी रानी मौर्या, राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में 5 बजे के बाद आप बाहर मत निकलना, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बेटियों के लिए बोला। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने आदेश निकाला बाकायदा कि बेटियां 8 बजे के बाद कोचिंग में ना जाएं, क्योंकि हम कुछ नहीं सुरक्षा कर पाएंगे। ये बेटियां यहां पर खड़ी हैं, मुझे लगता है इन्हीं से पूछ लेते हैं। और अब भी देखिए 8 बजे के बाद का वक्त है, हमारे शो पर आई हैं ये सभी बेटियां। आप बताइए, यूपी में वुमेन सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो आप कितना फ्री महसूस करते हैं, आप कितना सेफ महसूस करते हैं, क्या कहना है आपका लॉ एंड ऑर्डर के बारे में उत्तर प्रदेश में? जी, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो मैं भी एक महिला हूं और भी 18 साल की हो गई हूं, तो फर्स्ट टाइम वोटर हूं, फर्स्ट टाइम वोटर हूं एक्चुअली, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो अगर मैं देश की बात करूं तो अभी बीजेपी सिस्टम चलते आ रहा है, उसके पहले कांग्रेस सिस्टम था, तो मुझे पता नहीं अभी क्या कोई चेंज महसूस होता है कि नहीं। मैं भी बड़ी ही हो रही, तो मुझे चेंज का तो नहीं बोलेंगे, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम कोई और पार्टी चुनते हैं तो मुझे क्या गारंटी मिलती है कि मैं सेफ रहूंगी? अभी सेफ्टी लगती है कि नहीं, 6-7 बजे के बाद निकलना, अगर आपको कोई कोचिंग का बैच मिलता है 7 से 8 पढ़ लो तो हाउ सेफ यू फील कि घर से निकल के ठीक है? मैं बताती हूँ, सेफ्टी अपने हाथों में होती है, बट फिर बात वही आ जाती है लड़का और लड़की में ना, कि मैं अगर रात को ऑटो में बैठती हूँ 11 बजे तो मुझे अपना लोकेशन भेजना है किसी को, क्योंकि मैं सेफ नहीं फील कर पाऊंगी। तो मैं यही गारंटी मांग रही हूँ कि अगर हम दूसरी पार्टी को चुनते हैं, जैसा कि यही सब में चल रही है बातें, तो मुझे क्या गारंटी मिलती है कि मैं सेफ रहूंगी, मैं ये जानना चाहती हूँ बीइंग अ महिला। ठीक है, और आप कुछ बताना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? अनिष्का महेश्वरी। बताइए। मैं भी इस देश की नागरिक हूँ और मेरा परेशानी, आप कहीं भी चले जाए, आप दिल्ली में चले जाए, आए दिन क्राइम होता है, बट इट्स जस्ट कि अब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो समवेयर हमें सेफ फील होता है कि हाँ, अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा भी तो हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं, हमें इंसाफ मिल सकता है। बट इन प्रीवियस ईयर जो हमारे साथ हो रहा था कि अगर कुछ गलत हो भी रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, वो भी बहुत इजीली, क्योंकि हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे। अब जो टेक्नोलॉजी का सही यूज इन्होंने किया है ना, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी कंप्लेंट्स रजिस्टर, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो आप, व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, आपको नंबर दे दिया है, और उसके अलावा पुलिस का जो आपको रिस्पांस मिलता है वो इतना क्विक रिस्पांस मिलता है, इवन DTC बसेज या आप किसी भी टाइप की
यूपी परिवहन एंड ऑल में भी ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, मिली जुली प्रतिक्रिया है और साथ ही कुछ कंसर्न्स भी हैं। शरद जी आप ही प्रकाश डालेंगे, वो लड़की पूछ रही है वहां से कि हम पार्टी चाहे कोई भी चुने कैसे सुनिश्चित होगा वुमेन सिक्योरिटी, उसके लिए स्पेशली क्या कदम उठाए जाने चाहिए या आपने उठाए हैं? देखिए सुरक्षा हर तरह से प्रोवाइड की जा रही है महिलाओं को, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अपराध कभी भी कोई भी कहीं भी कर सकता है, लेकिन अपराध करने के बाद सरकार क्या करेगी वो उत्तर प्रदेश में अब हो रहा है। आप देखें कि जैसे ही अतीक अहमद वाला किस्सा हुआ था उसके 24 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर हुआ, अभी एक हफ्ते पहले 3 बच्चों को जलाया गया, 24 घंटे के अंदर पहला एनकाउंटर हुआ, दूसरे ने सरेंडर कर दिया, कमर तोड़ दी गई है उत्तर प्रदेश में। और जो आतंकवाद है वो भी अपराध है, और आतंकवाद पूरा उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया है, जितने स्लीपर सेल थे उनको सुला दिया गया परमानेंटली। आप देखें कि और जो हमारे मित्र हैं वो कह रहे थे, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि साहब हमने 20 लाख लैपटॉप दिए थे, आरटीआई की सूचना है कि 2.5 लाख लैपटॉप देने के बाद ये स्कीम बंद कर दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश पहली बार विकास के शिखर पे जा चुका है, 53 लाख हमने मकान दिए हैं, 1,70,00,000 गैस के कनेक्शन दिए हैं, 1,80,00,000 बिजली के कनेक्शन दिए हैं। जिस तरह का वातावरण उत्तर प्रदेश में आज जनता उस पर मोहर लगा रही है, हीरा नंदानी ग्रुप जो है जो 2,00,00,000 का ग्रुप है उसके चेयरमैन ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले हम लोग आने से डरते थे, आज हम लोग निवेश कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ माहौल बना है। और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, तभी बड़ी इंडस्ट्रीज आती है और यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो आपको रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कोई तो मैसेज गया है जनता के लिए? देखिए उस बेटी ने जो बात कही ना उसका क्या कंसर्न है कि हम किसी भी पार्टी को चुनेंगे तो क्या गारंटी है, और ये गारंटी पिछले हर साल हर 5 साल के पहले हर पार्टी देती है, लेकिन उस बेटी का वो जो सवाल था ना तो मुद्दा बदल जाता है लेकिन कंसर्न वही रहता है। बड़ा वाजिब सवाल है कि बेटी 18 साल की हो गई है, उसका सवाल ये है देश के लोगों से और पॉलिटिकल पार्टी से। तो मेरा कहने का मतलब है देखिए हर चुनाव में मुद्दे बदल रहे हैं लेकिन कंसर्न वही बाकी रह गया है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है खासकर महिला सुरक्षा को लेकर के जो दावे होते हैं, देखिए चुनाव के समय में संदेश खाली आता है, चुनाव के समय में आपको मंडी आता है, चुनाव के समय में वो सुप्रिया श्रीनेत का बाइट आता है, किसी भी तरीके से कोई भी पार्टी करे, लेकिन उस बेटी ने जो बात कही ना वो है असली मुद्दा कि इसकी गारंटी कौन देगा कि हम महिलाएं या हम बेटियां सेफ और सुरक्षित चलेंगे। इस बीच एक हाथ यहाँ से उठा रहे हैं, आप आगे आ जाइए, कुछ कहना चाहते हैं आप भी आगे आ जाइए। मैम आइए आइए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? सेम इसी मुद्दे में बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि सर ने कहा कि एस्कॉर्ट सर्विस दी जा रही है बीजेपी की तरफ से, बट अब महिला कॉल करेगी तभी वो पॉसिबल हो पाएगा ना। अगर जैसे आप कह रहे हो कि 8 बजे के बाद प्रॉब्लम है, तो मैंने 11-11 बजे के बाद भी लड़कियां बाहर देखी हैं सेफ, और मतलब उस पर कोई गारंटी ले, उस पर गारंटी ले आप कहना चाहते हैं। आप आइए, क्या नाम है आपका? नीतू सिंह। बताइए। और देखिए मैंने काफी सालों से मैं जॉब में हूँ और मेरा आना जाना रहता है, मैंने अभी काफी टाइम से मैं देख रही हूँ कि बहुत सेफ है माहौल, बहुत सेफ है, बहुत शांत है, मुझे कभी भी ऐसा बुरा फील नहीं होता कि मैं अकेले 10:30 बजे आ रही हूँ तो कैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। हर जगह बीट पे पुलिस होती है, वो वैसी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती, सच बताऊं वो नहीं भी हो तो भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सेफ फील करते हैं। और दूसरा मुझे एज ए देश में अभी बहुत अच्छा लगता है, मतलब पहले इतनी सारी अजीब अजीब सी न्यूज आती रहती थी, अब ये हो गया वो हो गया, कुछ चीजें घटनाएं तो अब भी होती हैं, देखिए कुछ घटनाओं का जिक्र उन्होंने अभी भी होती हैं, अब इतना बड़ा देश है चीजें होती हैं, वो गलत है, होनी नहीं चाहिए, किसी भी लेवल पर नहीं होनी चाहिए, बट चीजें धीरे धीरे सुधरेंगी और मुझे नेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छी चीजें दिख रही है। ऑप्टिमिस्टिक है कुल मिलाकर आप, ठीक है। धर्मेंद्र जी। आता जी मेरी बहन का जो सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल था, अब मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उस समय लोग ये सोचते थे कि पुलिस थाने में जाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, उनकी जो नैरेटिव थे, मैं एक घटना बताऊंगा आपके सामने बोलना अच्छा नहीं लगता है, एक रेप पीड़िता गई शिकायत करने और योगी सरकार की बात बता रहा हूं, और उसके दरोगा ने उसके साथ रेप किया, ऐसी भी घटनाएं आई हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी सरकार थी 12 से लेकर 17 तक, तो हमने GPS बेस्ड जो डायल 100 आया था वो हमारी देन है, और उसमें क्या होता था जो नहीं होते थाने होते हैं, अगर आपने कॉल कर दिया और आपके जो GPS की लोकेशन है आसपास के थाने से जो कम डिस्टेंस पे होंगे उनको अलर्ट कर देगा तुरंत, तो आपके लिए सेफ ये चीज है कि जैसे पुलिसिंग ही तो कंट्रोल करेगी क्राइम पे, क्राइम पे तो आम आदमी नहीं कंट्रोल कर सकता, मान लीजिए कोई बदमाश हथियार लेके आ रहा है, मुझे लगता है ये एक ज्वाइंट एफर्ट है, तो आपकी पुलिसिंग भी मजबूत होनी चाहिए, सामाजिक रूप से भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है, एज एन इंडिविजुअल भी जिम्मेदारी बनती है, सिस्टम की तो जिम्मेदारी है। बस इतना जानना चाहता हूँ कि अगर हमने डायल 100 शुरू किया
वोमन एम्पावरमेंट के लिए 1090 शुरू किया ताकि वोमेन अपनी शिकायत दर्ज कर सके फ्रिक्वेंटली और बिना हिचक के दर्ज कर सके। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ऐसा इनिशिएटिव महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में? ये सवाल मैं शरद जी से पूछूंगी, लेकिन यहाँ पर बात रखना चाहते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। मैं ये कहूंगा, अभी भाई ने कहा हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कि FIR होती है। उन्नाव की बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ था ना, उस बेटी को लखनऊ जाके मट्टी का तेल अपने ऊपर डालना पड़ा था और थाने के अंदर उसके बाप की जान ले ली गई थी जब जाके FIR हुई थी भाई साहब। और उसके बाद में जब जाके CBI इंक्वायरी, वरना योगी जी ने कहा था उन्नाव कुलदीप सेंगर बलात्कार नहीं कर सकते, CBI इंक्वायरी के बाद में साबित हुआ और उसके बाद में गवाह को। एक सेकंड, ये क्या मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया है? बयान था बिना किसी कोर्ट के फैसले के, बिना किसी ऑफिशियल बयान के, या ऐसा प्रूव हुए उन्होंने कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा आप कह रहे हैं? मेरी जान, मैं आ रही हूँ आपके पास। नहीं, ये बहुत गंभीर बात आपने उठाई है, ये सवाल पहले जाना चाहिए आपने, बहुत गंभीर बात, और मुख्यमंत्री का नाम लेके आपने गंभीर बात। देखिए, कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है महिलाओं की सुरक्षा पे बात करने का। राजस्थान के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि धारीवाल जी जो इनके मंत्री थे, इनके मंत्री जो थे राजस्थान में असेंबली में, उन्होंने कहा था कि ये मर्दों का प्रदेश है, यहाँ ऐसी बातें तो एकदम सामान्य, बलात्कार जैसी बातें तो हो जाती, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उत्तर प्रदेश में जब इमराना का बलात्कार उसके ससुर ने किया था तो वो अपने ससुर की बीवी और अपने पति की माँ बन गई थी, लेकिन उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि सेलेक्टिव, हम तो कह रहे हैं जहां भी हुआ है गलत हुआ है, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जहां भी गलत हुआ है वहां गलत हुआ है, जहां हो वहीं तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है, और जिम्मेदारी भी सिस्टम की यही बनती है। मेरे पास लास्ट कुछ सेकंड्स बाकी हैं, 10 सेकंड। काशी को सभी लोग जानते होंगे, IIT BHU की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने रेप किया, उसके बाद वो तीनों नेता जाके मध्य प्रदेश में प्रचार किए और भाई साहब बता रहे त्वरित कार्रवाई होती है। 77 दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, 60 दिन के बाद FIR की बात आई। बिल्किस बानो को सब जानते हैं, उनके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, ऐसा अपराध पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाके माला पहनाया उनका। मुझे ऐसा लग रहा है वक्त का तकाजा है, 2024 के चुनाव में महिला सुरक्षा या वुमेन एम्पावरमेंट, सरकार ने उसके लिए क्या किया, विपक्ष कौन से मुद्दे खड़े कर रहा है, ये बहुत अहम रहने वाला है। लेकिन उस सबके बीच सबसे दिलचस्प सियासी घटनाक्रम तो रामपुर और मुरादाबाद में हुआ है। STSN साहब का टिकट कट गया, आप बता दीजिए रामपुर से सपा का उम्मीदवार कौन है? कोई हेडलाइन, कोई ब्रेकिंग देके जाना चाहेंगे? दो उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के 100 सांसदों का टिकट कटा है, इसका मतलब 100 सांसद नाकाम रहे। आसिम रजा कौन है सपा का उम्मीदवार? 100 सांसदों का टिकट कटा है और जितने गांव गोद लिए थे वो गांव बाहर आ रहे हैं, बता पूछ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख और घड़ी नजदीक आ रही है, पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर, बहुत से नेताओं की आपसी खींचतान को लेकर, और पार्टियों के बीच भी सियासी हमले बढ़ते जा रहे हैं, ये घटनाक्रम और दिलचस्प होने जा रहा है, इस पर नजर रहेगी। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।